तो गौरव यार, लास्ट स्टडी में हमने देखा था क्या कहते हैं वेरिएबल्स पाइथन के अंदर, और हमने काफी अच्छे से वेरिएबल देखे थे। और यार 20 मिनट की मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें सिर्फ मैंने वेरिएबल समझाए थे आपको, और हमने काफी सारी चीजें देखी थी। अगर आप एक पूरे बिगिनर हो पाइथन के अंदर, तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि यार मैंने अपने चैनल के ऊपर पाइथन का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैं आपको पाइथन बिगिनर से एडवांस तक सिखाऊंगा। काफी अच्छे से हम पाइथन सीखेंगे, और मैंने पूरे एक बिगिनर लेवल से ही स्टार्ट किया आपको समझाना। आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने ये बताया कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पाइथन कैसे वर्क करती है। उसके बाद हमने पाइथन को इंस्टॉल किया और भी जितने यार पाइथन का सेटअप किया, फर्स्ट प्रोग्राम लिखा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं यार, मैं हर एक वीडियो के बाद कोई ना कोई एक्सरसाइज लेके ही आऊंगा, ये मैंने आपको कहा हुआ है। ये क्यों? क्योंकि यार इससे यार आपकी काफी अच्छी मतलब यार प्रैक्टिस हो जाएगी पाइथन की, और आप एक अच्छे सफल प्रॉफिटेबल डेवलपर बन पाओगे, है ना। तो यार लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल्स देखे थे जैसे मैंने आपको मतलब आपको बताया, और इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज देनी है। तो एक्सरसाइज ऐसी है कि यार आपने क्या करना है, आपने एक वेरिएबल बनाना है अपने नाम का। और मैंने यार वेरिएबल्स में मैंने टेक्स्ट कैसे एक मतलब टेक्स्ट वैल्यू कैसे असाइन करते हैं एक वेरिएबल को, वो भी मतलब करके दिखाई थी आपको। और वैसे अगली वीडियो में तो हम डाटा टाइप्स काफी अच्छे से पढ़ेंगे, पर तब भी बस आपने क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है और इसे कोई भी वैल्यू असाइन कर दो, चाहे अपना नाम असाइन कर दो और चाहे कोई नंबर असाइन कर दो, कुछ भी साइन कर दो। और वेरिएबल का नेम आपने क्या रखना है, आपने वेरिएबल का नेम आपका जो भी नेम है वो रख दो, ठीक है। वेरिएबल का नेम वो रखो जो आपका नेम है। इससे क्या होगा कि आपका कोई अगर लंबा सा नाम है तो आपको एक लंबा नाम वाला वेरिएबल कैसे रखना है वो भी समझ आ जाएगा, जो मैंने इस वीडियो के अंदर काफी अच्छे से समझाए हैं। बस यार यही एक्सरसाइज है, अगर आप इतना कर लेते हो तो यार मैं कहूंगा 2-3 वेरिएबल बनाना, एक वेरिएबल ना बनाना, 2-3 वेरिएबल बनाना, और यार पूरा ध्यान लगा के बनाना। इससे क्या होगा कि यार अगर आप जैसे एक चीज पे ध्यान दे दो ना, तो आपके दिमाग के अंदर वो बात बैठ जाती है। तो इससे क्या होगा, आपको वेरिएबल कैसे बनाने हैं और क्या रूल्स होते हैं वेरिएबल के नेम को बनाने के, बस मतलब काफी अच्छे से समझ आ जाएगी। हाँ, एक और बात, आपको जो भी वेरिएबल का मतलब वेरिएबल का नेम को बनाने के जो भी रूल्स है मैंने इस वीडियो के अंदर बताया, वो आपको साथ में राइट करनी है, ठीक है। सो साथ में लिख लेना उस पाइथन फाइल के अंदर, चाहे तो क्या कर सकते हो, कोई TXT फाइल बना के लिख लेना, जैसे आपको सही लगे बस लिख लेना, और कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो के अंदर कि आपने क्या किया, मतलब किस नाम का वेरिएबल आपने बनाया है। चाहो तो आप यार कमेंट सेक्शन में भी यार लिख सकते हो जो भी मतलब आपका कोड है। मैं सीधी बात आपको बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई पाइथन के फाइल के अंदर लिखो, और अगर आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखते हो तो यार मैं आपका कोड चेक करूंगा कि आपने सही से बनाया या नहीं, और मैं आपको पक्का रिप्लाई दूंगा और एक हार्ट भी दूंगा। तो गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।